जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पूरे सिलेबस की कि आपके कक्षा 10 गणित का जो सिलेबस है वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में जो है वो किस चैप्टर वाइज जो है वो कैसा आएगा, यानी किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने MCQs आएंगे और कितने फिलअप आएंगे, उसके बारे में। अगर वो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर लें। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। जी हाँ, चैप्टर नंबर एक प्रीमियर वास्तविक संख्याएं, पहला जो चैप्टर है आपका उसमें, कि उसमें कितने MCQs आएंगे, कितने फिलअप आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप के आंसर आएंगे, उन्हीं के बारे में और उन्हीं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए के, उनकी भी बात करेंगे और बड़े क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। और इस वीडियो में हम पूरी पहली प्रश्नावली को खत्म कर देंगे और यही मानना है कि उन क्वेश्चनों के अलावा बोर्ड एग्जाम के अंदर जो हटके नहीं आने चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड या उन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने इस। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसमें कुल जो है वो आपके प्रश्न आने वाले हैं, वो आने हैं 3, जिनका टोटल अंक 12 होगा, वो होगा 4 नंबर के। जी हाँ, 3 पर्सन और 4 नंबर के। तो ये 3 पर्सन जो है वो किस प्रकार से डिवाइड है, एक आपका एबसद केंद्र प्रश्न पूछेगा, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आपसे पूछेगा और एक पूछेगा आपसे लघुतरात्मक प्रश्न। यानी एक तो एबसद में आ जाएगा, एक दो या तीन शब्दों में जो उत्तर आएगा एक वो आंसर हो जाएगा, एक दो या तीन लाइन में जो आपको आंसर देना पड़ेगा वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल इसमें 3 प्रश्न पूछेगा। संभावित प्रश्न जो MCQs में आपसे पूछ सकता है या अति लघुतरात्मक में आपसे पूछेगा, एक नंबर वाले, उनको मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है। जो बड़े प्रश्न है वो मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से अप्रिमेय संख्या बताइए। यहाँ पे आपको 3-4 संख्याएं दे देगा ऐसे दे में, और आपसे पूछेगा कि इनमें से अप्रिमेय संख्या कौन सी है। तो याद रखिए, अप्रिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती है जिनका दशमलव प्रसार जो होता है वो अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो। जी हाँ, अशांत आवर्ती हो। अशांत का मतलब जिसमें भाग जो है वो आपका खत्म नहीं होता, भाग चलता ही रहता है, और अनावर्ती का मतलब उसमें कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। कई ऑप्शन दे दिए, जैसे आपको दे दिया 2.34, उस पर लगा दी बार, एक कोई नंबर दे दिया 2.3456 और एक कोई नंबर दे दिया 2.3357 और आगे लगा दिया डैश डैश। अब इन नंबरों की बात करें तो इनमें अप्रिमेय संख्या कौन सी आपकी, इनमें अप्रिमेय संख्या है ये नीचे वाली, क्योंकि इसमें दशमलव लगा है, दशमलव के बाद इसमें डैश डैश लगा रखा है, इसका मतलब इसका भाग आगे और जा रहा है, भाग अभी खत्म नहीं हुआ। ऊपर वाले की बात करें तो इसमें भाग आपका खत्म हो गया और भाग तो इसमें भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर बार लगा है और बार का मतलब भाग खत्म नहीं हुआ, लेकिन यही जो अक्षर है जिन पे बार लगा है 3-4 पे, मतलब यही अक्षर बार बार आ रहे हैं, यही अंक बार बार आएंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत अनावर्ती है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत आवर्ती है, आवर्ती जिसमें होता है उसे हम प्रीमियर संख्या में बदल सकते हैं। तो इसमें आपकी ये होगी। इसके अलावा ये आपसे रूट वाली संख्या भी दे देता है, जैसे √4 दे दिया, √6 दे दिया या √5 दे दिया, इस हिसाब से भी आपको अप्रिमेय संख्या देता है। तो रूट वाले के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या रूट में है, अभाज्य संख्या अगर आपके रूट लगा है तो वो आपकी अप्रिमेय संख्या होगी, ये निश्चित है। उसके बाद दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आपकी आती है 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य है, लेकिन अभाज्य सबसे छोटी है, विषम अभाज्य नहीं है, क्योंकि आगे वाला प्रश्न ये भी दे रखा है इसने, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो बनती है आपकी 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और विषम अभाज्य संख्या जो बनती है वो बनती है 3 बनती है। अभाज्य संख्या में कुल कितने गुणनखंड होते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड आपको मिलते हैं, 2 से ज्यादा अगर आपको गुणनखंड मिल जाते हैं तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं। अभाज्य संख्याओं का HCF बताइए। अभाज्य संख्या कोई सी भी अभाज्य, कितनी भी अभाज्य दे दी है, अगर उनका HCF आपसे पूछा है तो उसका HCF हमेशा ही याद रखेंगे, उनका HCF होता है 1। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा ही 1 होता है। जैसे अगर आपको दे दिया 13 और 17, आपसे बोला जाए कि इनका HCF निकालिए, मै से निकालिए महत्तम समापवर्तक, तो उसका जो HCF आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा, 1 आएगा अभाज्य संख्याओं का। उसके बाद अभाज्य संख्याओं का LCF भी बताइए आप, लैस भी बताइए। मैं से तो होता है 1, हमेशा याद रखो, और अगर आपको लय से निकालना है तो लय से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणा, जो दोनों संख्या आपको दे रखी है
उनका गुणा कर दो, वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका एलसीएम बन जाएगा। अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। जी हाँ, इसमें कोई एक संख्या दे दी, जैसे आपको दे दिया 44 दे दिया और आपसे कह रहा है कि 44 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो अभाज्य गुणनखंडों में जो घातें आएंगी उनका योग बताओ कितना होगा। तो पहले आपको 44 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 44 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड आ गए ये 2 × 2 × 11। अब इनकी घातें देखें तो पहली संख्या पे घात 1 है, 2 पे 1 घात है, आगे 2 पे 1 घात है, आगे 11 पे 1 घात है। तो घातों का योग कितना हो गया, 1, 2 और 3। तो इसमें घातों का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा किसी भी संख्या में। उससे पहले एक और सवाल था, दो संख्याओं के HCF और LCM में संबंध लिखिए। दो संख्याओं के और दो संख्याओं के HCF और LCM का संबंध आपको पता है, लेस है गुणा मैस है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लेस है गुणा मैस है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही संबंध होता है दो संख्याओं के, लेस है और मैस है में, सिर्फ दो संख्याओं में, तीन संख्याओं में ऐसा संबंध नहीं मिलता है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। कोई दो संख्याएं देगा उनको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपसे ज्ञात करवा सकते हैं। दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती है, दो प्रमेय संख्याएं उनके बीच कितनी प्रमेय संख्याएं हो सकती है, MCQs का सवाल बनता है अभाज्य देगा। तो याद रखें, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होती है, दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या होती है, ये याद रखेंगे। ये तो छोटे प्रश्न जो बन रहे थे आपके, दो प्रश्न जो आपसे छोटे पूछेगा उनके, आगे बड़े वालों की अगर हम बात करें तो बड़े वालों में मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 72 और ए का HCF व LCM क्रमशः 24 और 360 है, तो ए याद कीजिए, ए मतलब दूसरी संख्या बताइए कितनी है। कोई दो संख्या है, एक 72 है और एक ए है, दोनों का लेस है और मैस दे रखा है और आपसे पूछ रहे हैं कि ए का मान बताओ, यानी जो दूसरी संख्या है वो बताइए। तो हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये लीजिए, मैंने और कुछ नहीं किया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM कर दिया। ये 72 गुणा में है, इधर आएगा तो बाहर में हो जाएगा, कट कर दो 24 × 3 = 72, 3 से ये कट हो गया 12 × 120। तो वो दूसरी संख्या क्या बच गई, 120, यानी ए का मान आपको मिल गया 120। उसके अलावा अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना दो नंबर में आपसे पूछ सकता है, और अप्रिमेय संख्या √2, √3, √5, √3 और −√5, ये वो मुख्य संख्या है जो आपसे अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के अंदर पूछ सकता है। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 396, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 11 और 15 शेष रहे। नॉर्मली जो सवाल देता है, हालांकि ये आपके किताब के अंदर एट प्रेजेंट सवाल नहीं है, लेकिन पीछे के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और ज़्यादा इतना कोई पेचीदा भी नहीं है, सुने सवाल को ध्यान से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालते हैं, HCF तो निकालते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि जो 396, 436 और 542 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर ये बोलता कि पूर्णतः विभाजित कर दे तो HCF निकाल लेंगे, जो HCF होता वो आंसर हो जाता, क्योंकि HCF तो वही तो होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। लेकिन ये कह रहा है कि पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही, इसे जब हम विभाजित करते हैं तो 5 शेष बचता है, 436 को विभाजित करें तो 11 और 542 को विभाजित करें तो 15 शेष बचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये शेष बचता है तो इनको कम करना पड़ेगा, पहले जो शेष बच रहा है उसको दी गई संख्याओं में कम कर देंगे। जैसे 5, 396 में भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 5 कम कर दो, कितना बच गया, 391 बच गया। 536 में जब हम भाग देते हैं तो शेष बचता है आपका 11, तो 11 को कम कर दो, कितना बच गया, 426 बच गया। फिर आगे बच गया 542, शेष कितना बचता है 15, तो 15 को कम कर दो। हर एक संख्या में मैं कम कर रहा हूँ, तो ये कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 527। अब ये तीन संख्याएं बच गई, अब 391, 426 और 527 तीनों का HCF निकाल लो, जो HCF होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो आपसे पूछ रहा है। 96 और 404 का HCF और LCM याद कीजिए और दोनों में संबंध याद कीजिए, वही ऊपर जो सवाल करके आए थे वैसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल लो, LCM निकाल लो, HCF गुणा LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। उसके बाद एक सवाल मैंने लिख रखा है जो पूरा नहीं लिखा, स्पेस नहीं था मेरे पास, वो भी स्पेशली ध्यान रखेंगे। वो सवाल है, सोनिया व रवि किसी वर्ताकार पथ पे या वर्ताकार पारक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सोनिया एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट जबकि रवि को लगते हैं 12 मिनट,
दोनों एक 18 मिनट में पूरा कर रहे हैं, एक 12 मिनट में कर रहे हैं। यदि दोनों एक ही साथ एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये सवाल भी है जो आपके बुक का है। उसके अलावा एक आर्मी बैंड वाला क्वेश्चन भी आपके है, वो वाला भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। तो पहली प्रश्नावली में वास्तविक संख्या नाम की जो पहली प्रश्नावली है उसमें जो आपके मेन प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। सारे बढ़िया प्रश्न है, किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। रिपीट टेलीकास्ट कर दूंगा मैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। कल हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है बहुपद। कितने प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू जितने भी होंगे, वेरी शॉर्ट शॉर्ट जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। मिलूंगा मैं आपसे कल वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाते जाते ये कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ही फायदेमंद है, ताकि हर बच्चे तक सेक्शन ए का जो भूत है वो उतरता हुआ चला जाए। सेक्शन ए जो 32 नंबर का आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर की। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।